आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद खान साहब, जो लेक्चरर हैं कंपेरेटिव रिलीजन में अली मियां इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में। तो इनसे जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में। सर ने माशाल्लाह छोटी उम्र में ही एक मकसद, एक विजन के तहत काम कर रहे हैं कंपेरेटिव रिलीजन में। तो जानेंगे सर का काम। सबसे पहले सर, मैं आपसे खुशामदीद करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। और सर से पहले आप बताएं कि आपने अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट की, यानी एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है? सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि आज मुझे अपने पसंदीदा तरीन मौजू के मतलब इजहार ख्याल करने का मौका मिला है। सबसे बुनियादी बात यह है कि मैंने इल्म का जो रास्ता इख्तियार किया वो जामिया अलीमिया इस्लामिया से किया। यहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तालीम मुकम्मल की और इसी इदारे में मुझे सबसे पहले मालूम चला कि तकाबुल अदियान एक ऐसा मौजू है कि जो गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो तकाबुल अदियान का पहला तारुफ मुझे जामिया अलीमिया इस्लामिया में ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और इस सब्जेक्ट से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसी इदारे में हमें जो है वो तकाबुल अदियान पढ़ाया गया थर्ड ईयर से लेकर थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में और फिफ्थ ईयर में। थर्ड ईयर में जो हमारे उस्ताद थे, जो पहले यानी कि ईसाई थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, शेख अली मुस्तफ़ा सैन पॉल। तो उन्होंने जो है फिर हमें थर्ड ईयर में जुडाइज़म पढ़ाया और फोर्थ ईयर में क्रिश्चियनिटी और फिफ्थ ईयर में उन्होंने पढ़ाई हमें हिंदुइज़्म। तो यहाँ से यानी कि मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ। और जिस इदारे से मैंने पढ़ा है जामिया अलीमिया इस्लामिया, तो इस इदारे के बानी जो हैं डॉक्टर फजल रहमान अंसारी अलैह रहमा, तो उनका जो खसूसी तौर पर जो मौजू था वो तकाबुल अदियान था। फ़लसफ़ा भी आपका मौजू है, लेकिन तकाबुल अदियान के हवाले से आपकी बड़ी खिदमत है। तो माशाल्लाह सर, आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक के तहत। तो अब तक आप किस किस मौजूद पर सेमिनार्स करवा चुके हैं? सही, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है। मैंने कराची के और दीगर अंदरून सिंध के इलाकों में जो है मुख्तलिफ मदारिस में जो है वो कोर्सेज करवाए हैं। अच्छा, उनमें से एक इदारा था जो कराची में है, मदरसा खिताबिया के नाम से। तो वहाँ पर मेरा एक टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड रिलीजन्स, मुख्तलिफ दुनिया के मज़ाहिब है उनका एक तारुफ उनके सामने पेश किया। फिर एक और इदारा है हनफिया गौसिया तारिक रोड पर मदरसा है, तो उस इदारे में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक पूरी प्रेजेंटेशन की सूरत में जो है तकाबुल अदियान की अहमियत, उसकी इफादियत, दौर हाजिर में इसको क्यों पढ़ना चाहिए और मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो अकायद और नज़रियात का जो तारुफ है वो उनके सामने मैंने पेश किया। फिर और मदरसा हक्कानिया के नाम से एक मदरसा है, फिर एक मदरसा हैदराबाद में है मदरसा ताहिरिया के नाम से, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है तकाबुल अदियान का एक कोर्स करवाया, वर्कशॉप भी वहाँ पर यानी कि मुनक़िद करवाई। तो उसमें बुनियादी तौर पे मकसद यह था कि एक तो तकाबुल अदियान का तारुफ करवाया जाए, दूसरा तकाबुल अदियान की अहमियत क्या है, और दौर हाजिर में जो मुसलमान उलमा हैं, मुबल्लिगीन हैं, आइमा हैं, तो इनके लिए तकाबुल अदियान की कितनी अहम ज़रूरत है। वजह यह है कि इस दौर में हर बंदे का ताल्लुक जो है वो दुनिया के हर बंदे से यानी कि रब्ता होता है, तो वो बंदा जो है वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रख सकता है। तो उसके जहन में इस्लाम से मुतालिक कुछ इश्कालात हैं, कुछ एतराज़ात हैं, कुछ गलतफहमियाँ हैं, इस्लाम को वो समझना चाहता है। तो एक मुसलमान मुबल्लिग, आलिम, आइमा अगर ये दीगर मज़ाहिब का मुताला करेंगे तो सामने वाले बंदे को समझाना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो उन्हीं की किताबों से उनको बताएगा कि इस्लाम का अगर ये एतराज़ है तो उसका जवाब ये है, और इस्लाम की जो खूबियाँ हैं, खसूसियात हैं, वो उनको बयान की जाएंगी। तो जो उनके जहन में जो गलत फहमी है उसको दूर कर दें, वो बंदा इस्लाम की तरफ आसानी से रागिब हो जाएगा। तो ये फहम और ये फ़िक्र जो है मैं मुख्तलिफ तालीम इदारों में, जो मदारिस हैं और जो दीगर इदारे हैं उनमें मैं लेके गया, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा यानी कि रिस्पॉन्स आया। मज़ीद यानी कि इरादा यही है कि मुख्तलिफ इदारों में इस तरह के कोर्सेज करवाए जाएँ। तो फ्यूचर में आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड क्या प्लानिंग है, इस टॉपिक को किस तरह आगे लेके जाएंगे, यानी इस टॉपिक में आप कौन सा काम करना चाहते हैं आगे? सही, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि मुस्तकबिल में मेरा क्या इरादा है। मुस्तकबिल में अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरा इरादा यह है कि जो इस वक्त पूरे माशरे की जो करीम है, माशरे की जो करीम है, उलमा, खुतबा, मुबल्लिगीन हजरत, मदारिस के तलबा, इनकी खिदमत में मैं जो है वो तकाबुल अदियान की जो अहमियत है वो मैं इनके सामने पेश करना चाह रहा हूँ।
और इस वक्त दुनिया के जो मुख्तलिफ मज़हब है उनके मुताले की तरफ मैं उनको रागिब करना चाह रहा हूँ। वो मुताला कर रहे हैं लेकिन मैं अपने तौर पर एक शौक़ के तौर पर उनको पेश कर रहा हूँ ताकि वो इस मौजू की तरफ आएँ, ताकि वो देखें कि हिंदू जो है वो इस्लाम के बारे में क्या उसके शकूक व शुबात हैं, इस्लाम को वो समझना चाह रहा है तो हिंदू को किस तरह इस्लाम समझाया जाएगा, यहूदी को किस तरह इस्लाम पेश किया जाएगा, और ईसाई हैं, बुद्ध मत के मानने वाले हैं, पारसी हैं, इस वक्त दुनिया में तकरीबन 250 से ज़्यादा मज़हब हैं, तो उन मज़हब के क्या क्या अकायद हैं, नज़रियात हैं, उसको यानी कि समझने की ज़रूरत है। तो ये मौजूदात हैं तकाबुल अदियान की अहमियत। दूसरा ये है कि जो हर मज़हब का मानने वाला जब इस्लाम पे एतराज़ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले बंदे का मज़हब कौन सा है। जब हम उसके मज़हब को समझ जाएंगे तो उसको समझाना बहुत ज़्यादा यानी कि हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मुस्तकबिल में इरादा यही है कि मुख्तलिफ कोर्सेज़ मैंने डिज़ाइन किए हैं, इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड रिलीजन्स के नाम से है, फिर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है कौन कौन से मज़हब थे और अल्लाह के रसूल ने उन मज़हब के मानने वालों के सामने इस्लाम किस तरह पेश किया, ये बाकायदा पूरा टॉपिक था। अभी जो इस वक्त मैं जिस मौजू पे काम कर रहा हूँ वो ये है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में औरत का मकाम और उसकी हैसियत क्या है, तो इस हवाले से मतलब ये काम है। इरादा यही है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी एक अकेडमी बनाई है, इस्लामिक एम्बेसडर अकेडमी, तो वहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है मदारिस के तलबा, उलमा, खुतबा, इनको अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक कोर्सेज़ भी करवाता हूँ, वर्कशॉप भी वहाँ मुनक्किद की जाती है। मकसद ये होता है ताकि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की खिदमत के लिए कबूल व मंजूर फरमाए, और ये शख्सियत जो दीगर इलाकों में जाके इस्लाम को पेश कर रहे हैं तो पेश करना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। माशाल्लाह सर, बहुत खूब। ये जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर आपके इस कोर्स में आना चाहते हैं तो किस तरह आप तक रसाई कर सकते हैं, क्या कोई आपका पेज है या कोई लिंक है, और उसके अलावा इन नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं? सबसे पहला पैगाम मेरा यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने इंसान को जो है वो इबादत के लिए पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, तो इस वक्त दुनिया की 7 अरब की आबादी में जो है 1.5 अरब की आबादी वो उस तरीके से इबादत कर रही है जिस तरह अल्लाह ताला इबादत करता हुआ देखना चाह रहा है। तो वो 1.5 अरब की आबादी मुसलमान है जो वो इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, वो 5.5 अरब की आबादी है, और हर 5.5 अरब की आबादी के जो मानने वाले हैं वो अल्लाह वो खुदा की इबादत तो कर रहे हैं लेकिन वो अपने तरीके से कर रहे हैं, मज़हबी बानियों ने जो तरीका बताया उसके मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन वो तरीका वो रास्ता वो नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल ने पेश किया है। तो जब हम उनको वो रास्ता बताएंगे कि आप इस रास्ते पे गलत हैं, इसकी वजह क्या है, आपके मज़हब में कौन सी खामियां हैं, कौन सी कजी है, और इस्लाम जो है इसका जो सहीफ़ा है जिस तरह नाजिल हुआ था अभी इसी तरह महफूज है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की वो वाहिद शख्सियत हैं जिनकी पूरी हयात मुबारक महफूज है, आपसे ताल्लुक़ रखने वाले सहाबी हैं उनकी पूरी ज़िंदगी महफूज है, जिसको इस्लामी इस्तिलाह में जो है अस्मा रिजाल कहते हैं, तो ये दीन महफूज है। दीगर अदियान जो है उसमें रद्दोबदल हो गए, तहरीफ हो गए, तो वो अब असल हालत में नहीं है, असल हालत में इस्लाम है। तो जब हम इस्लाम की खसूसियात को समझ जाएंगे दीगर लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बुनियादी नुक्ता यह था कि 1.5 अरब मुसलमान है तो वो इस वक्त राइट पाथ पर है, वो सीधे रास्ते पर हैं, सिरात मुस्तकीम पर हैं। तो 5.5 अरब की आबादी है उनके लिए हमने ये सोचना है कि उनको हमने इस्लाम किस तरह यानी कि पहुंचाना है। तो मेरा ये पैगाम है कि हमें इस्लाम को जो है वो इस तरह यानी कि समझना है कि जिस तरह हमने आलमी सतह पे इस्लाम को पेश करना है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर ये एक तहरीक पैदा हो रही है कि 2050 के अंदर जो है पूरी दुनिया का मज़हब जो है वो इस्लाम हो जाएगा। तो इस वक्त पूरी दुनिया की इंसानियत जो है वो इस्लाम को मुताला करने की तरफ रागिब हो रही है, इस्लाम पे रिसर्च की जा रही है, तहकीक की जा रही है, हर मज़हब का बंदा इस्लाम कबूल कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा यानी कि रोशन पहलू है जो हमारे लिए समझने की ज़रूरत है कि हम मुसलमान हैं तो हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन जो लोग अंधेरे में हैं उनको जब रोशनी की किरण मिलती है तो वो उस रोशनी की कदर भी करते हैं, उसकी अहमियत को भी समझते हैं और उसको समझते हैं। तो हमें इस बात को यानी कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अल्लाह को यानी कि मानते हैं, एक मानते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन आखिरी रसूल मानते हैं, उनकी तालीमात पर अमल करना, उनको पेश करना, ये हमारे लिए बुनियादी मकसद है। तो मैं जो अपनी जो छोटी मोटी खिदमत पेश कर रहा हूँ तो उसके लिए मैंने एक यानी कि इदारा बनाया जिसका नाम है इस्लामिक एम्बेसडर अकेडमी। तो वहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्सेज वगैरह करवाता हूँ, वर्कशॉप। जो हमारे जो इदारे की एक्टिविटीज़ हैं वो आप अगर देखना चाहें, जायज़ा लेना चाहें, तो वो एक पेज है जिसका नाम है इस्लामिक एम्बेसडर अकेडमी। तो इस्लामिक एम्बेसडर अकेडमी इस पेज पे अब तक के मैंने जो कोर्सेज़ करवाए हैं उनकी तमाम की तफसीलात आपको उस पेज पे मिल जाएगी। तो जो कोर्स करना चाहता है तो वो उस पेज पर रब्ता कर लें, तो मैं इंशाअल्लाह इसके लिए हाजिर हूँ।
तो आप लोगों से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है दीन इस्लाम की खिदमत के लिए कबूल मंजूर फरमाए। सर आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। कंपेरेटिव रिलीजन में थोड़े से टाइम में मुख्तसर आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सर जजाकल्लाह। जी, जजाक बहुत बहुत शुक्रिया।